वास्तुकला और सिविल निर्माण का विज्ञान प्राचीन भारत में स्थापत्य शास्त्र के रूप में जाना जाता था। स्थापत्य शब्द की उत्पत्ति स्थापन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापना करना। वास्तुकला की तकनीक एक विज्ञान और एक कला दोनों थी, इसलिए इसे स्थापत्य कला के रूप में भी जाना जाता है। कला शब्द का अर्थ एक कला है। बहुत शुरुआती समय से ही मंदिरों, महलों, विश्राम गृहों और अन्य नागरिक निर्माणों का निर्माण पेशेवर वास्तुकारों द्वारा किया जाता था, जिन्हें स्थापति के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के दौरान भी ऐसे पेशेवर मौजूद थे जो रथों और युद्ध के अन्य भारी उपकरणों के निर्माण की तकनीक में विशेषज्ञ थे। इन पेशेवरों को ऋग्वेद में रथकार के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ निर्माता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आज पाकिस्तान में खंडहरों की खुदाई से भारत में एक विकसित शहरी सभ्यता के अस्तित्व को साबित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। इस प्रकार पिछले 5000 वर्षों से भारत में नगरीय सभ्यता रही है। एक शहरी सभ्यता का अस्तित्व वास्तुकला और निर्माण की अच्छी तरह से विकसित तकनीकों के अस्तित्व को मानता है। निस्संदेह इन तकनीकों को बाद की पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के साथ साथ वास्तविक निर्माण के लिए संदर्भ मीडिया के रूप में उपयोग करने के लिए रिकॉर्ड पुस्तकों में व्यवस्थित रूप से वर्णित किया गया होगा। दुर्भाग्य से जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है, ऐसा कोई अभिलेख न तो शिलालेखों, पांडुलिपियों आदि के रूप में, न ही लोक कथाओं और किंवदंतियों में संरक्षित किया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक, ने कहा, जीवन का भारतीय तरीका जीवन के प्राकृतिक वास्तविक तरीके का दर्शन प्रदान करता है। हम खुद को अप्राकृतिक मुखौटों से ढक लेते हैं। भारत के मुख पर वे कोमल भाव हैं जिन पर विधाता के हाथ की छाप है। लेकिन तथ्य यह है कि मोहनजोदड़ो के पैमाने पर शहरों का निर्माण 5000 साल पहले वास्तुकला की एक व्यवस्थित और अत्यधिक विकसित तकनीक के अस्तित्व की गवाही देता था। लेकिन बाद के युगों में लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे पास गंगा घाटी में बड़ी शहरी सभ्यताओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए साहित्य संदर्भ और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों हैं। अधिकांश अन्य विज्ञानों की तरह यहां तक कि धर्म से दूरस्थ रूप से जुड़े हुए वास्तुकला में भी वैज्ञानिक विचारों और तकनीकों को दर्शन और धर्मशास्त्र के साथ एकीकृत किया गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश बड़े निर्माण मंदिर थे, जैसा कि हिंदू मंदिरों के निर्माण में शायद ही कभी मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जहां पत्थरों को गुरुत्वाकर्षण बल के साथ एक दूसरे से चिपकाया जा सकता था। ऐसा करने में अपनाई जाने वाली तकनीक रोमन एक्वाडक्ट्स में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के समान थी। पत्थरों को उनके स्थान पर ठीक करने के बाद उत्तम नक्काशियों को उकेरा गया था। इस प्रकार मंदिर की छत के ठीक ऊपर तक मूर्तियों की नक्काशी एक मांगलिक कार्य रहा होगा। इस तरह की नक्काशी विशेष रूप से गोपुरमों में देखी जाती है, यानी दक्षिण भारतीय मंदिरों की छतें और मंदिरों के ऊंचे दरवाजों पर। राजगोपुरम या ऐसे मंदिरों की मुख्य छतें लगभग 90 से 100 फीट की ऊंचाई तक उठती हैं और पूरी तरह से हिंदू देवताओं के देवी देवताओं को दर्शाती विभिन्न मूर्तियों से उकेरी गई हैं। विदेशों में भारतीय स्थापत्य परंपरा कला और वास्तुकला की भारतीय तकनीकें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर फैली हुई हैं। अशोक के शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिस्तान मौर्य साम्राज्य के हिस्से थे। इन मौर्य प्रांतों में बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। दुर्भाग्य से उनमें से बहुत कम आज तक बच पाए हैं। हालांकि विशाल बोधिसत्व तालिबानों द्वारा नष्ट की गई बुद्ध की मूर्तियां, जो पूरे पहाड़ के चेहरे और चट्टानों को ढंकने वाली चट्टानों से काटे गए थे, मानव और प्राकृतिक विनाश से बच गए थे। कुषाण काल के दौरान मध्य एशिया कुषाण साम्राज्य का एक हिस्सा था। भारतीय कला ग्रीक और कुषाण शैलियों के साथ मिश्रित हुई और मध्य एशिया में फैल गई। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक सीमाएं एक समय में ऑक्सस, अक्षु नदी पर और उससे आगे बल्क, वैदिक ग्रंथों में वहालिका के रूप में संदर्भित तक फैली हुई थीं और पहली और 8वीं शताब्दी के बीच पनपी कला परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्य एशिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया की गांधार कला शैली वास्तव में भारतीय कला शैलियों से ली गई थी। वास्तव में ऑक्सस क्षेत्र की चित्रकला भी कुछ विद्वानों द्वारा एक स्वतंत्र स्कूल होने का दावा करती है। वास्तव में
भारतीय कला रूपों का एक विस्तार है। आर्ट ऑफ द वर्ल्ड सीरीज में इंडो चाइना पर खंड के लेखक बर्नार्ड ग्रॉसलियर ने भारतीय कला के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं। यह प्राचीन काल के सबसे महत्वपूर्ण सभ्य आंदोलनों में से एक था, जो भूमध्य सागरीय दुनिया के यूनानीकरण के साथ तुलना करने योग्य था, और भारत इतनी दूर की भूमि पर अपनी समझ का प्रकाश फैलाने के लिए उचित रूप से गर्व कर सकता है जो उसके बिना अंधेरे में रह सकता था। बर्नार्ड ग्रॉसलियर जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इन देशों में कई वास्तुशिल्प और कला रूप स्पष्ट भारतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण डोंग डुआंग में बुद्ध की प्रसिद्ध 108 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो अमरावती की मूर्तियों से काफी मिलती जुलती है। विशेष रूप से घुंघराले बालों की उपस्थिति भारतीय मूल को उस देश में इंगित करती है जहां लोगों के सीधे बाल होते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह में गणेश जी की कई मूर्तियां मिली हैं। बाली के लोग अपने को हिंदू कहते हैं। दोस्तों, वीडियो यही खत्म होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और लाइक कर दें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।